अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक प्रोजेक्टर बाइंग गाइड से रिलेटेड एक वीडियो डाला था अपने इसी चैनल पे, जिसमें मैंने टोटल 8 पॉइंट कंसीडर किए थे। और उन 8 पॉइंट्स का अगर आप ध्यान रखते हुए अपने लिए एक प्रोजेक्टर सेलेक्ट करते हो तो डेफिनेटली आप एक बहुत ही अच्छे प्रोजेक्टर के साथ जाने वाले हो। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैंने ये तो बता दिया था कि प्रोजेक्टर कैसे खरीदते हैं, बट हमें से बहुत सारे लोग एक प्रोजेक्टर खरीदने जाते हैं तो प्रोजेक्टर तो वो लेके चले आते हैं, बट वो प्रोजेक्टर स्क्रीन को मिस कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो घर पर ले आके किसी वॉल पर प्रोजेक्ट कर देते हैं, वाइट वॉल पर या फिर किसी पर्दे पे, चादर पे, इस टाइप की चीज़ों पे वो प्रोजेक्ट करते हैं अपने प्रोजेक्टर को, और फिर कहते हैं कि जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है प्रोजेक्टर पे वो उतना बढ़िया नहीं है, शार्पनेस उतनी अच्छी नहीं है, ब्राइटनेस उतनी अच्छी नहीं है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स इसी वजह से आती है क्योंकि वो एक प्रॉपर प्रोजेक्टर स्क्रीन पे प्रोजेक्शन नहीं कर रहे होते हैं। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप प्रोजेक्टर लेकर आ गए हो बट प्रोजेक्टर स्क्रीन भी खरीदना चाहते हो तो किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मेरा नाम है, खैर नाम में क्या ही रखा है, चलिए शुरू कर लेते हैं। अब फ्रेंड, जो पहला पॉइंट है वो है स्क्रीन टाइप से रिलेटेड। यहाँ पे आपको यूजुअली दो टाइप की स्क्रीन देखने को मिलती हैं, एक होता है फिक्स्ड स्क्रीन, दूसरा होता है मोटराइज्ड स्क्रीन। फिक्स्ड स्क्रीन होता है जहाँ पे आप एक बार उसे फिक्स कर देते हो, फिर आप उसे छेड़ नहीं सकते, उसे हटा नहीं सकते, हिला नहीं सकते, मतलब आपको प्रॉब्लम होगी ओवरऑल इसे हटाने में। दूसरा होता है मोटराइज्ड स्क्रीन, ये फोल्डेबल स्क्रीन होते हैं और ये एक छोटे से बॉक्स की तरह आते हैं और ये फोल्ड होकर अंदर चला जाता है और जब आपको प्रोजेक्शन करना होगा तो अनफोल्ड होकर बाहर एक पूरी प्रॉपर स्क्रीन बन के जाती है। तो अगर आप अपने कमरे में कोई होम थिएटर लाइक बिल्डअप कर रहे हो देन आपको एक फिक्स्ड स्क्रीन को सेलेक्ट करना चाहिए। अगर आप मल्टीपर्पज रूम है, जैसे हॉल है, आप वहाँ पे प्रोजेक्शन भी करते हो कभी अपने एंटरटेनमेंट के लिए और कभी कभी आप उसका अदर तरीके से भी यूज करना चाहते हो, तब आपको एक मोटराइज्ड फोल्डेबल स्क्रीन टाइप के साथ ही जाना चाहिए। तो जो दूसरा पॉइंट है वो है स्क्रीन साइज से रिलेटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसके बारे में भी अच्छे से पता होना चाहिए। स्क्रीन साइज का बात यहाँ पे मैं ये नहीं कर रहा हूँ कितनी बड़ी स्क्रीन है आपकी, 100 इंच या 200 या 300 इंचेस की, वो बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एस्पेक्ट रेशियो से रिलेटेड, यानी कि यहाँ पे आपको दो तरीके के स्क्रीन साइजेस देखने को मिलते हैं। एक होता है 16:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला स्क्रीन साइज, दूसरा होता है 2.35:1 रेशियो वाला स्क्रीन साइज। अब फ्रेंड, आपको पता करना है कि आप अपने प्रोजेक्टर को किस तरीके से यूज करना चाहते हो। अगर आप अपने प्रोजेक्टर को टीवी सीरियल्स, क्रिकेट और इस टाइप के इंटरटेनमेंट परपजेस को देखने के लिए यूज करना चाहते हो, तब आपको ऑलवेज एक 16:9 रेशियो वाले एस्पेक्ट रेशियो के स्क्रीन साइज के साथ जाना चाहिए, क्योंकि आपका जितना भी ये जो फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट है वो सारे इसी एस्पेक्ट रेशियो में बनाए जाते हैं। वहीं पे अगर आप अपने प्रोजेक्टर्स को सिनेमा मूवीज वगैरह के लिए यूटिलाइज ज्यादा करोगे, वेब सीरीज वगैरह के लिए ज्यादा यूटिलाइज करोगे, तब आपको 2.35:1 रेशियो वाले एस्पेक्ट रेशियो के स्क्रीन साइज के साथ जाना चाहिए। अब जो तीसरा पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको भी अगर आप प्रॉपरली समझ जाओगे तब आप अपने प्रोजेक्टर को प्रॉपर इस्तेमाल कर पाओगे और उससे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस निकाल पाओगे। ये है व्यूइंग डिस्टेंस रिलेटेड। अब व्यूइंग डिस्टेंस का मतलब होता है कि मान लीजिए आप मार्केट से एक प्रोजेक्टर लेकर आए और आपने उसे चालू किया, वो 300 इंचेस के डिस्प्ले को सपोर्ट करता है, तो क्या आप 300 इंचेस अपने घर पे चलाओगे? नहीं चला सकते, क्योंकि इतने बड़े साइज के स्क्रीन को देखने के लिए आपको बहुत पीछे जाके बैठना पड़ेगा। और आई थिंक कि हमें से ज़्यादातर लोगों के कमरे जो है वो बहुत छोटे होते हैं, इवन हॉल भी बहुत छोटा होता है कि वहाँ पे 300 इंचेस के डिस्प्ले को नहीं देखा जा सकता प्रॉपरली। अब ये देखने में प्रॉब्लम भी है ना कि मान लीजिए हीरो यहाँ से इधर जा रहा है तो आपको इस तरह हीरो को ट्रैक करना पड़ेगा। आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा मतलब यूजुअली इतना अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए आपको व्यूइंग डिस्टेंस का भी ध्यान रखना चाहिए। अब व्यूइंग डिस्टेंस जो है वो होना चाहिए कि आप अपने जैसे अपने कमरे का मेजरमेंट ले लो और अपने प्रोजेक्टर स्क्रीन को जब आप सेलेक्ट कर रहे हो तो प्रोजेक्टर स्क्रीन का जो हाइट है उस हाइट के, जैसे मान लीजिए ऐसे बॉक्स बनता है रेक्टेंगल, तो हाइट जो होता है हाइट के 3 गुने डिस्टेंस से बैठ के अगर आप प्रोजेक्टर को देखोगे तो आपको बहुत ही बेस्ट और बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस मिलने वाला है सामने जो भी एंटरटेनमेंट हो रहा है उसका। अब जो चौथा पॉइंट है वो है स्क्रीन मटेरियल टाइप, यानी किस टाइप की मटेरियल से आपका स्क्रीन बना हुआ है। यहाँ पे फ्रेंड यूजुअली दो तरह के मार्केट में देखने को मिलते हैं, एक होता है ALR स्क्रीन, दूसरा होता है ग्रेन्ड स्क्रीन। ALR स्क्रीन, इसका पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं। फुल फॉर्म ये है कि एम्बिएंट लाइट रिजेक्टिंग, यानी जो आपके चारों तरफ से लाइट्स आ रही हैं आपके कमरे में, कहीं रोशनदान से, जंगले से, खिड़की से या कोई लाइट ऑन है, तो इस टाइप की जो लाइट्स आ रही हैं इन्हें हम एम्बिएंट लाइट बोलते हैं। और इसका फॉर्मेट ये है कि ये एम्बिएंट लाइट को रिजेक्ट करता है। अब जब ये एम्बिएंट लाइट को रिजेक्ट करता है और केवल आपके प्रोजेक्शन वाले लाइट को ही आपको आपके आंखों तक भेजता है, तो डेफिनेटली जो यूजर एक्सपीरियंस होगा, जो व्यूइंग एक्सपीरियंस होगा, वो काफ़ी अच्छा निकल के आएगा, यानी इमेज क्वालिटी बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्डअप होती है आपके सामने स्क्रीन पे। वहीं दोस्तों जो दूसरे तरह का
स्क्रीन है जिसे हम ग्रेंड स्क्रीन कहते हैं। ग्रेंड स्क्रीन यूजुअली दिन के टाइम पे इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करते हैं, बट रात को ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। यानी पूरी तरह से अगर कमरे में अंधेरा है, रात इन द सेंस कि पूरी तरह से डार्कनेस होना चाहिए कमरे में, अगर डार्क है पूरा कमरा आपका देन ग्रेंड स्क्रीन भी आपकी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। लेकिन अगर आपको पता है कि आपके कमरे में उजाला आता ही है, एम्बियंट लाइट आएगी ही आएगी, उस कंडीशन में आपको हमेशा एक ALR स्क्रीन चुनना चाहिए। बट यहाँ पे कैच ये है कि ALR स्क्रीन थोड़े से कॉस्टली आते हैं। कुछ ALR स्क्रीन के मैं लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप सर्च कर सकते हो, एक बार देखना जरूर, आपको समझ में आएगा तो परचेज भी कर सकते हो। अब जो पांचवा पॉइंट है दोस्तों वो है स्क्रीन कलर को लेके। यूजुअली दो तरीके के स्क्रीन कलर्स आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे, एक होगा व्हाइट और दूसरा होता है ग्रे। अब व्हाइट स्क्रीन की अगर बात की जाए तो ये इसकी खासियत ये है कि मोस्ट एक्यूरेट इमेज आपको प्रोड्यूस करके देता है स्क्रीन पे, और साथ ही साथ ये ब्राइटनेस को बहुत हद तक इंक्रीज भी करता है, यानी कि ब्राइटनेस बहुत अच्छा कर देता है और स्क्रीन का जो एक्यूरेसी है उसको बहुत हद तक मेंटेन रखता है। वहीं ग्रे स्क्रीन की बात की जाए तो ग्रे स्क्रीन की खासियत ये है कि ये बहुत ज़्यादा कंट्रास्ट को बढ़ा देता है, साथ ही साथ ब्लैक लेवल्स को बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट करता है, यानी कि इसमें कंट्रास्ट और ब्लैक लेवल शार्पनेस आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। अब बात करेंगे कि आपको इनमें से कौन सा लेना चाहिए। तो देखिए, अगर आपके पास एक महंगा प्रोजेक्टर है, काफ़ी महंगा प्रोजेक्टर है, तब आपको एक वाइट स्क्रीन के साथ जाना चाहिए। वहीं पर अगर आपके पास बजट रेंज का या मिड रेंज का प्रोजेक्टर है तब आप ग्रे स्क्रीन के साथ जा सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा सूटेबल होते हैं बजट रेंज के प्रोजेक्टर्स के लिए। तो आई थिंक कि ये जितने भी पांचों पॉइंट है, अगर इन सबका कंक्लूजन किया जाए तो आप समझ गए होंगे कि आपको कौन से स्क्रीन टाइप के साथ जाना चाहिए, किस टाइप की स्क्रीन आपको पर्टिकुलरली सेलेक्ट करना चाहिए। अब मैं कोई एक स्क्रीन तो आपको बता नहीं सकता कि आप ये वाला ले लो सबसे बेस्ट है, क्योंकि हर किसी की जो ज़रूरत है, हर किसी का जो नीड है वो अलग अलग है। इसलिए आप अपने हिसाब से इन पॉइंट्स को रखिए और अपने हिसाब से सेलेक्ट कीजिए कि किस टाइप के स्क्रीन प्रोजेक्टर स्क्रीन को मुझे परचेज करना है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। साथ ही साथ मैंने कुछ प्रोजेक्टर्स की स्क्रीन के लिंक मैंने दे दिए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट कर सकते हो। और बस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।